हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है और हम बस यहाँ से अब निकलने वाले हैं, डम्बोला से निकलने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू सिगिरिया, क्योंकि आज हमने सिगिरिया पर क्लाइंब करना है। बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, सो लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। एंड अबाउट द होटल, होटल इज़ गुड, इट्स लाइक अ होम स्टे, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पर है। सो रात को बहुत अच्छे से हम सो गए थे बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड येस्टरडे। सो वी स्लेप्ट अराउंड 9 o'clock एंड वी वोक अप एट 6। एंड अभी वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रेकफास्ट और लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या होता है, कैसा होता है। और ये देखिए, मॉर्निंग विद फुल ऑफ ग्रीनरी एंड रेन, लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। So there are lot of food items in breakfast: paratha, juice, pizza, dosa, vada, and we are having chit chat with the owner of this homestay. So fruits bhi hai, so khana bhi tasty tha. तो हम लोग अभी सिगिरिया रॉक पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर कंटिन्यूस बारिश हो रही है। डम्बोला से ही बारिश स्टार्ट थी और अभी भी बारिश हो ही रही है और लग नहीं रहा है कि बारिश बंद होगी। सो हम यहाँ पर बैठ के वी आर थिंकिंग कि हम अभी क्लाइंब करें या ना करें, बिकॉज अगर हम क्लाइंब करते भी हैं तो भी हमें कोई व्यू देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स ऑल क्लाउडी एंड मिस्टी एंड इट्स रेनिंग हेविली। इट्स नॉट लाइक दैट इट्स ड्रिजलिंग, बट It's raining heavily. It's heavy rain, and climbing is one thing, but recording in this rain will be very difficult. So we don't even have umbrellas. And Gurpreet is sitting with folded hands because he is not interested in climbing. And these are all tourist guides. I think it's a bad day for them as well because it's continuously raining. बहुत देर वेट करने के बाद नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम वापस जाते हैं। जब हम पहुंचे थे और जब हम रुक के वेट कर रहे थे तब बारिश कम थी, हमें लगा था कि थोड़ी और कम हो जाएगी शायद हम जा पाए, लेकिन बारिश तेज हो गई। सो नो पॉइंट ऑफ वेटिंग हियर, वी कम अगेन। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर वी आर लेफ्ट विद डम्बोला केव टेम्पल्स, और भी एक दो चीज़ें हैं जो हमारी रहती हैं। सो वी आर प्लानिंग कि अभी वील गो बैक टू कोलंबो और लेट्स सी, वी आर गोइंग बैक टू डम्बोला इफ वी कैन सी द केव टेम्पल्स, इफ नॉट देन वील कम बैक अगेन एंड वील सी केव टेम्पल्स, सिगिरिया एंड देयर इज वन मोर प्लेस, सो इट इज ऑन द लिस्ट। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, वहां पर पहुंच के आपको अपडेट देते हैं, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट। देन वी विल मीट यू गाइस इन कोलंबो अदरवाइज। बट वन थिंग इज गुड, द सिटी इज लुकिंग ब्यूटिफुल इन दिस रेन, फुल ऑफ ग्रीनरी एंड दिस ड्रिजलिंग वेदर, चिलिंग वेदर, इट वॉज ऑल ऑसम। हाय गाइस, तो मैं सिगिरिया से निकलने के बाद अब मैं आ गई हूँ डम्बोला, और मैंने सोचा यहाँ तक आई हूँ तो कुछ तो घूमना बनता ही बनता है। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ का फेमस गोल्डन टेम्पल, एंड गूगल पर ये भी लिखा है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट गोल्डन लॉर्ड बुद्धा स्टैचू। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है।
तो मेरे पीछे लॉर्ड बुद्धा स्टैचू है, बहुत बड़ा स्टैचू है। अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। एंड देयर इज अ बुद्धिस्ट म्यूजियम ऑल्सो। दिस इज द एंट्रेंस टू रॉक टेम्पल, बट इट्स रेनिंग, आई डोंट थिंक आई कैन गो देयर। तो मेरे पीछे जो है वो फेमस गोल्डन लॉर्ड बुद्धा स्टैचू है, और एज पर गूगल दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू। और बहुत सुंदर केव टेम्पल बना हुआ है अंदर, केव टेम्पल इन द रॉक्स का टेम्पल बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक म्यूज़ियम भी है, उसके लिए टिकट है, बट अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सो हम रॉक टेम्पल पर नहीं जा सकते हैं। सो आई थिंक आज के दिन में हमने कुछ भी ज़्यादा अच्छे से विज़िट नहीं किया है, बट आई विल श्योरली विज़िट दिस टेम्पल अगेन। एंड पूरी स्क्रीन फॉग से कवर होने लगी, आई थिंक वी हैव टू गो बैक। तो मेरे सामने ये बहुत बड़ा एक रॉक है, और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत ये दिख रहा होगा, ये जो वाटरफॉल्स हैं, वाटर लाइंस आपको दिख रही हैं, और आगे इस तरफ और भी ज़्यादा वाटर लाइंस है, क्योंकि कंटिन्यूस रेन है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एंड क्लाउड्स की वजह से कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो वी आर ऑन आवर वे बैक टू कोलंबो, और पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, और रास्ते में हम एक बड़ी अच्छी जगह रुके हैं, बहुत अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ।